किन दिनों में हिजामा करवाना चाहिए? हदीस नबी की रोशनी में अर्ज करता हूँ मैं। हजरत अंस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो पचने लगवाना चाहे तो महीना की 17, 19 और 21 तारीख को तलाश करे। एक और हदीस है, ए नाफे मेरा खून जोश मारने लगा है, मेरे लिए कोई पचने लगाने वाला तलाश करो, अगर तू ताकत रखे तो ऐसा आदमी तलाश करना जो दिल में नरमी रखता हो, और ऐसा आदमी तलाश न करना जो बूढ़ा हो, और ना ही ऐसा जो बच्चा हो, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि खाने पीने से पहले पचने लगवाना ज्यादा बेहतर है। यानी इससे यह साबित होता है कि पचने जब भी लगवाएं, हिजामा जब भी करवाएं, खाली पेट आप करवाइए। इसमें शिफा और बरकत है। ये अमल अकल और कुव्वत हाफजा में इजाफा करता है, यानी अकल बढ़ाने के लिए, कुव्वत हाफजा के लिए बहुत मुफीद है। जुमरात को अल्लाह की बरकत पर पचने लगवाओ, और तुम बुध, जुम्मा और हफ्ता और इतवार को पचने लगवाने से इज्तनाब करो। यानी मखसूस दिन जो है पचने लगवाने के लिए, पीर, मंगल और जुमरात, तीन दिन है हिजामा करवाने के लिए। और इस तरह चांद रातों का मैंने बताया, क्योंकि यही वो दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से अफियत की थी, और बुध के दिन इन पर बीमारी को लाजम किया था। बेशक कोढ़ और बर्स का मर्ज बुध के दिन या बुध की रात को ही शुरू होता है। हदीस नबी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शिफा तीन चीजों में है, शहद पीने में, पचने लगवाने में और आग के साथ दागने में, और मैं अपनी उम्मत को दागने से मना करता हूं।